हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। इससे पहले जितना भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, क्योंकि अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट हो गया है। ठीक है, आज इवनिंग का प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो प्रकाशन है उसमें बहुत सारी गलतियाँ दिया है। ठीक है, तो उसको मैंने छोड़ दिया है और आज से जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा 10वां प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, यूनिक जो होता है बेस्ट प्रकाशन है यूनिक। ठीक है, यूनिक का मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी सिविल सर्विसेज या पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूनिक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो बिहार सिविल कोर्ट के लिए वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग उसे खरीद कर प्रैक्टिस करें और उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला था तो, और आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, देखिए मैं पहले एक दिन पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं और एक दिन बाद में शाम को 5 बजे यह वीडियो आपको मिल जाता है। ठीक है, आंसर सहित। तो आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप स्टैंड बीपीएससी, तो वहां पर स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और ज्वाइन कर उसमें जितना वीडियो होगा आप उसे देख लें। और 9 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें देखे तो 52 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। ठीक है, मैंने उसमें ऐड कर दिया था, आप उसे देख ले एक बार जरूर, नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए उंगलियाँ घी में होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पाँचों उंगलियाँ घी में होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पांचों उंगलियां घी में होना इस मुहावरे का अर्थ बताता है कि सब प्रकार से लाभदायक स्थिति में होना। ठीक है, क्या सभी प्रकार से लाभदायक स्थिति में होना, यानी सभी तरह से आप परिपक्व हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, उंगलियां घी में डालकर बैठना। ठीक है, यानी पाँचों उंगलियाँ घी में होने का मतलब क्या है? नहीं, ये नहीं होगा, सब प्रकार से लाभ मिलेगा यानी सभी तरह से अपरिपक्व है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें देखिए चिड़िया पेड़ डैश बैठी है तो क्या हो जाएगा? इसमें होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पर हो जाएगा, चिड़िया पेड़ पर बैठती है, जो पेड़ के डाल होते हैं उसी पर ना बैठती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पर। ठीक है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ठीक है, क्या करना है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, तो आपको पता है पर दिए गए विकल्प में से अगर पर्वत का उचित पर्यायवाची शब्द देखें हम तो क्या होगा? शैल। शैल मीन्स क्या होता है? पर्वत। ठीक है, शैल मीन्स क्या होता है? पर्वत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इस तरह क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा। ठीक है, शैल। नेक्स्ट देखिए, शैल मीन्स होता है पर्वत। ठीक है, याद रखेंगे। दिए गए वाक्यांश में देखिए, और पर्यायवाची शब्द और एक शब्द कनेक शब्द, इसे आपको स्टॉक बना लीजिए, कम से कम नोट्स बनाइए और कॉपी किताब लेकर बैठिए। ठीक है, जितना हिंदी का अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे आप एक नोट्स के तहत उसे लिखते जाइए और एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप उसे रिविजन मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम कितना अच्छा जाएगा। ठीक है, देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, बहुत तीव्र चलने वाले को क्या कहते हैं? जो बहुत तेज चलता है उसे क्या कहते हैं? देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखें तो तेज चलने वाले को हम लोग बोलते हैं अत्यधिक तेज चलने वाला, यानी अत्यधिक तेज चाल से चले जो, तो उसका मतलब होता है द्रुतगामी। ठीक है, द्रुतगामी का ही मतलब ही होता है कि अत्यधिक तेज से गति करने वाला। ठीक है, इसलिए दिए गए वाक्यांश के लिए उचित स्थान जो होना चाहिए उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? द्रुतगामी हो जाएगा। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, सर्वदा। देखिए सर्वदा दिया है तो सर्वदा का मतलब होता है सदा या हमेशा, तो दिए गए विकल्प में से इसका उचित विकल्प शब्द क्या होगा? यादा होगा, यादा कदा होगा। ठीक है, यादा कदा, जिसका मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, हम घूमने डैश, हम घूमने डैश, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जो सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, हम घूमने क्या होगा? जाएंगे, देखेंगे थोड़े, हम घूमने देखेंगे, हम जाएंगे, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, इसमें देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, तो उसमें जो सही है वो रूपवान, रूपवान जो है वो रूपवान, नहीं ये नहीं, ये तो रूपावान है, ये बी हो जाएगा, रूपवान। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द में से अगर ऑप्शन में से देखें तो दिया है किनारा, और इन चारों ऑप्शन में से किनारा के जैसे क्या होता है? तट। तट मीन्स क्या होता है? किनारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, तट मीन्स क्या होता है? किनारा। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो देखिए क्या हो जाएगा, पत्रकार होगा। ठीक है, पत्रकार राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पत्रकार होगा। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ठीक है, 10 नंबर में देखिए इसमें क्या होगा, 10 नंबर की अगर देखें तो शाश्वत दिया है, शाश्वत। ठीक है, ऊपर दिया है शाश्वत, यानी शाश्वत का मतलब होता है जिसका अस्तित्व सदा के लिए हो। ठीक है, इसलिए दिए गए विकल्प में से राइट आंसर जो होना चाहिए 10 का, वो क्या हो जाएगा, उसका विलोम 10 नंबर है ना। हाँ ठीक है, 10। देखिए एक मिनट, क्वेश्चन देखने दीजिए, माफ़ कीजिएगा। दिए गए शब्द का विलोम योग दिया है। ठीक है, योग का विलोम क्या होगा, हमें योग का विलोम निकालना है। ठीक है, तो योग का विलोम निकालने के लिए देखें, इसमें ऑप्शन देखिए, योग का मतलब होता है जुड़ना, संयुक्त होना एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका विलोम होगा वियोग। ठीक है, वियोग मीन्स अलग होना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर वियोग हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए सादा रहने वाला। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए सादा रहने वाला। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, सादा रहने वाला। तो सादा रहने वाला का देखिए, शाश्वत का मतलब क्या होता है, जिसका अस्तित्व सादा के लिए हो। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए अगर राइट आंसर होगा सादा रहने वाले के अकॉर्डिंग देखें तो शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांव जमीन पर न पड़ना। ठीक है, पांव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए पांव का जमीन पर न पड़ना मुहावरे का मतलब होता है अत्यधिक खुश होना। किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो गरीब का मदद नहीं करता है। ठीक है, आप सिंपल से देख लीजिए, मान लीजिए आप पढ़ते हैं तो डेली लाइफ में प्यार मोहब्बत करते होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई लड़की है तो लड़की के पास बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो अगर उसके पास दूसरी कोई मिल जाती है उसे तो आपको इग्नोर करना वो शुरू कर देगा। ठीक है, इसका मतलब को उसका जमीन पैर पर नहीं है। ठीक है, वो बहुत खुश होगा और अंदर अंदर आपको इग्नोर करेगा, आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह अत्यधिक खुश होना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, जो उपकार को माने, जो उपकार को माने उसको क्या बोलेंगे। देखिए, जो उपकार को मानता है उसके लिए हम कृतज्ञ बोलते हैं, कि हम बहुत कृतज्ञ हैं दिल से। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, पेट पर लात मारने का मतलब है कि किसी को जीविका, मतलब जो रोजी रोटी चलता है उसके साधन को आप खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आजीविका से वंचित करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, वचाल है। क्या है, वचाल, वचाल, वचाल का विलोम क्या होता है। देखिए, वचाल का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलने वाला। ठीक है, बचर बचर जो बोलता है। ठीक है, तो देखिए इसका विलोम बात करेंगे तो मितभाषी, मितभाषी को मतलब होता है कम बोलने वाला। ठीक है, क्या होता है, कम बोलने वाला, मितभाषी, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मितभाषी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, 16 नंबर जो है इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, देखिए पंखुरी जो है ना, पंखुरी, ये राइट आंसर डी, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है, शेर है, तो शेर के जैसे इसका मतलब कौन सा होगा। देखिए, शेर का उचित अगर पर्यायवाची शब्द बोले तो क्या होगा, इसका राइट आंसर मृगेंद्र होगा, राइट आंसर मृगेंद्र होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, मृगेंद्र मीन्स शेर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, देखिए तलवार दिया है। ठीक है, तलवार, तो देखिए तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खड़ग। ठीक है, बी होगा राइट आंसर, खड़ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आ गया गदांश। कुछ लोग बोल रहे थे कि सिलेबस में गदांश, अरे यार गदांश का मतलब लिखा हुआ मिलेगा तुमको। ठीक है ना, और क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, वही भरना है। ठीक है, करो अपने मन की बात, फिर पता पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा देखो एक कहावत है, ठीक है, जो होशियार होते हैं ना उनको 10 बार ठोकर लगता है, और जो बुर्बक होता है उसे 1 बार ठोकर लगता है। ठीक है, तो आपको होशियार और नहीं बुर्बक बनना है। ठीक है, मध्यम बनकर चलिए। देखिए गदांश दिया है, भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वस्तुकला के लिए पूरे विश्व में डैश है। आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वस्तुकला एक अद्भुत डैश है। ठीक है, देखिए ये आप वीडियो प्यूज कर भर लेंगे। ठीक है, वीडियो प्यूज करेंगे और आप क्या करेंगे, इसे भर लेंगे। अपनी निर्माण कला के कारण ही यह विश्व के 7 में से 1 सफ़ेद संगमरमर से बने ताज की डैश है। सुंदरता को देखकर विदेशी पर्यटक दांतों वाले तले उंगली दबा लेते हैं। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग देखिए आप क्या करेंगे, वीडियो पेज करेंगे और इसे सब पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए पहले नंबर में जो होगा गदान जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, पहला छोड़ देते हैं, आप कमेंट कर अपने से भरिए, ठीक है। जो पाँच दिया है उसका आप अपने से भरिए और कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, क्या करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए 24 नंबर जो है तो इसमें मुरलीधर जो होगा ना, मुरलीधर भी बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी वाला जो है ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर। लिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुराना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए पिंड छुराना मुहावरे का अर्थ होता है कि आप पीछा छुरा रहे हैं किसी से, ठीक है, यानी आप किसी से पीछा छुरा रहे हैं, ठीक है, पीछा छुराना, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, पीछा छुराना, ठीक है, पीछा छुराना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुना है जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके। देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखें जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए हमें उपयोग शब्द चयन करना है। उसने चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की, ठीक है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा इसमें सूटेबल होगा, ठीक है। देखिए उसने चोरी ही नहीं बल्कि उसने हत्या भी की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। देखिए संत महात्मा अपनी सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहचानना है, क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा, ठीक है, त्रुटि पहचानना है, ठीक है, क्या पहचानना है आपको, त्रुटि, ठीक है। तो देखिए त्रुटि वाला भाग अगर देखें हम, संत महात्मा अपना नहीं, यहाँ पर जो लिखा है संत महात्मा अपना नहीं अपनी होना चाहिए, ठीक है, यानी संत महात्मा अपनी सादगी, ठीक है। तो जो गलत है वो बी हो जाएगा, अपना नहीं अपनी सादगी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वे पार्क में डैश कर रहे हैं, वे पार्क में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जाहिर सी बात है पार्क में कोई जाएगा तो क्या करेगा, वॉकिंग करेगा, टहलेगा, ठीक है, तो वही होगा राइट आंसर। दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। देखिए प्रसन्न का अर्थ क्या होता है, खुशी, हर्ष उल्लास वाला बात आ जाता है, तो इसका विलोम क्या होगा, खिन, खिन मीन्स उदास होता है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, खिन मीन्स क्या होता है, तो खिन मीन्स क्या होता है, उदास होता है, ठीक है, क्या होता है, उदास, समझ गए। नेक्स्ट देखिए संधि और समास में क्या समानता है, संधि और समास में क्या समानता है। देखिए संधि और समास की बात करें तो देखिए दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, बात सही है, बाकी दोनों में ही शब्द एक विकास होता है, नहीं, संधि और समास दोनों में ध्वनियाँ मिलती है, नहीं, संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकास अनिवार्य है, नहीं, दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, दोनों संक्षिप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करना है, ठीक है, क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें तो अगर इसमें हमें क्या करना, उस शब्द का चयन कीजिए संधि की दृष्टि से जो अशुद्ध है, तो तदुपरांत जो है ना ये अशुद्ध है, बाकी तथापि, तथा और तदाकर, ठीक है, ये जो है ये सही है, बाकी ये डी गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए वागीस का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए वागीस का संधि विच्छेद की बात करें तो वाक प्लस ईस होगा, ठीक है, राइट आंसर डी होगा, वाकीस, ठीक है, वागीस का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद होते हैं, हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो ये आठ भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, आठ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृतंत है, देखिए मिलावट जो है ना ये कृतंत है, ठीक है, मिलावट कृतंत है, ठीक है। अभी हमारा कंप्लीट हो गया 35 हिंदी, अब हम इंग्लिश देखेंगे, 15 नंबर का जो इंग्लिश पूछा जाता है उसे अब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हिंदी आप अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कितने, इसमें 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, कितने, 7, ठीक है, याद अच्छा से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, देखिए क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ पीएम, देखिए विकल्प
अगर बात करें ऑप्शन इसमें से जो राइट आंसर होना चाहिए विकल्प के अकॉर्डिंग देखिए, एंथोलॉजी जो होता है, एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, ठीक है, या पद ग्रहण, ठीक है, पद संग्रहण, ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, एंथोलॉजी, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, देखिए द डिपार्टमेंट विल इनिशिएट ए कंपेन टू प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है इसमें हमें क्या करना है, त्रुटि वाला भाग पहचाना है, ठीक है, कि कौन सा गलत है। तो देखिए हम कभी भी अगर वर्ब का पहला होता है अगर इस तरह का प्रयोग होगा तो उसके साथ आपको पता है इन्फिनिटिव के साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है, तो टू प्रोमोटिंग का सही प्रयोग नहीं होगा, टू प्रोमोटिंग नहीं होगा, ठीक है, टू प्रोमोट होता है, ठीक है, टू प्रोमोट। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, तो क्या होगा, टू प्रोमो, ये जो है ये वाला गलत है, ठीक है, टू प्रोमोट सही होगा, ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, देखिए सही स्पेलिंग वाला हमें विकल्प चुनना है, ठीक है, तो परमिशन जो होगा इसमें परमिशन PERMISSION, ठीक है, PERMISSION, तो ए वाला जो है ये सही है, ठीक है, ये वाला का स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन इन चारों में से क्या है, कोमारेट लिखा हुआ, ठीक है, अब इसमें से देखना है कि कौन सा सही है, ठीक है, तो देखिए सही स्पेलिंग वाला बात करें तो इसमें से कोमेमोरेट होगा, राइट आंसर क्या होगा, कम इमोरेट, ठीक है, तो राइट आंसर सी जो है ये सही लिखा हुआ है, बाकी जो है देख लीजिए गलत है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पॉसिटी दिया है, ठीक है, पॉसिटी, ठीक है, देखिए अगर इसकी बात करें इसका मतलब होता है अभाव या कमी, ठीक है, अभाव या कमी, ठीक है, तो अगर इसका हमें क्या निकालना है, इस विकल्प में से अगर इसका उचित विलोम देखें तो सरप्लस होगा, सरप्लस मीन्स प्रचुरता हो जाएगा, ठीक है, उसका भाव कमी दिया है तो इसका अधिक भी होता है सरप्लस का, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, SURPLUS, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, मैन एडोटरी दिया है, मैन एडोटरी, ठीक है, तो देखिए इसके जैसा आपको क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि जो दिया है इसके जैसे कौन सा समान अर्थ है, ठीक है, मैन एडोटरी जो दिया है, ठीक है, इसका देखिए मैन एडोटरी का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, ठीक है, जो बहुत ही नीडेड हो, ठीक है, तो इसके जैसा अर्थ कंपलसरी होगा, ठीक है, कंपलसरी देखिए दिया है, बी दिया है, राइट आंसर कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। टू फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए इन माई ओपिनियन ही इज द डैश ऑफ ऑल द ब्रदर्स, ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है तो वाक्य के अनुसार आपको पता होगा कि अगर पूरा सेंटेंस देखे ही इज द क्या होगा, कहने का मतलब है ही इज द ब्राइटेस्ट, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यही सुटेबल हो रहा है, ठीक है, ब्राइटेस्ट, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम, ठीक है, देखिए फेयर वेदर फ्रेंड्स, देखिए कहने का मतलब है इसमें आइडियम दिया है फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छे दिनों के साथी, ठीक है, अच्छे दिनों के साथी, ठीक है, इसके जैसा ऑप्शन में देखना है कि इसके जैसा भाव कौन प्रकट करता है, ठीक है, तो देखिए अगर हम चारों ऑप्शन को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इन गुड टाइम, ठीक है, यही ना इसका मतलब हुआ, अच्छे दिनों के साथी, फ्रेंड्स इन गुड टाइम, इसके जैसे ही मीनिंग दे रहा है तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम, ठीक है, टू बी इन हॉट वाटर, देखिए टू बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है, मुसीबत, ठीक है, एक तरह का मुहावरा है, ठीक है, यानी परेशानी में होना, ठीक है, इसके जैसा समान अर्थ आपको देखना है, ठीक है, टू बी इन ट्रबल होना चाहिए, टू बी इन ट्रबल यानी आप परेशानी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या होगा, टू बी इन ट्रबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, गॉर्जियस दिया है, देखिए गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार, ठीक है, शानदार होता है, ठीक है, दिए गए विकल्प में से इसका अगर उचित अगर विलोम शब्द बात करें तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, साधारण, ठीक है, उसका शानदार हो जाएगा तो इसका विलोम साधारण होगा, ऑर्डिनरी, ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ठीक है, देखिए कंट्री ट्रीटेड एज ए परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, देखिए 46 नंबर बोल रहा है कि अंधविश्वास, ठीक है, दिया है, ठीक है, इसके जैसा आपका अगर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग समूह शब्द की बात करें तो उसके जैसा कौन व्यक्त करता है, देखिए डोमिसाइल जो दिया है उसका अर्थ होता है अंधविश्वास। ठीक है, डोमिसाइल, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, क्या दिया है, एफ यू टी आई एल ई, ठीक है, फ्यूटाइल दिया है। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है बेकार, ठीक है, बेकार, तो इसका इसके जैसा क्या होगा, इसके जैसा जो समान भाव प्रकट करता हो, यूजलेस। यूजलेस मीन्स क्या होता है, यानी बेकार। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। देखिए दोज डैट फीड ओनली वन प्लांट्स, ठीक है, दोज डैट फीड ओनली वन प्लांट्स, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके जैसा आपको चुनना है। ठीक है, जो इसके जैसा भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे अच्छा से तो इसका मतलब होता है शाकपात करने, यानी शाकाहारी जिसको बोलते हैं, शाकपात जो खाता है। ठीक है, इसके जैसा अगर मतलब ऑप्शन में देखिए हर्बीवोरस होगा। ठीक है, हर्बीवोरस यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है शाकाहारी जो शाकपात खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या देखना है, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ठीक है, रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल का मतलब होता है साधारण। ठीक है, साधारण, तो इसके जैसा समान व्यक्त करने वाला ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होगा, साधारण होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान। ठीक है, विद्वान, इसके जैसा अगर जो भाव व्यक्त करता है उसको हम लेंगे ऑप्शन में से। ठीक है, तो देखिए स्कॉलर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, विद्वान होता है। ठीक है, विद्वान के समान होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, स्कॉलर। ठीक है, हमारा इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया 15। अब आपको 35 क्या देख करना है, मैथ। ठीक है, तो मैथ आप जरूर बने रहेंगे, मैथ में कितने प्रीवियस ईयर का है इसमें, तो इसमें आपको मिलेंगे 13। ठीक है, 13 मैथ प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बने रहें कि आपको पता चल जाएगा। 2500 रुपये अंकित मूल वाली एक शॉट 2200 रुपये में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। देखिए इसमें पूछ रहे कितने प्रतिशत की छूट, 2500 रुपये अंकित मूल वाली एक शॉट 2200 रुपये में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। देखिए इसमें पूछ रहे कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की, आपको पता है छूट निकालने के लिए आप प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखे होंगे, तो आपको मैंने अच्छा से वहाँ पर समझाया था कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको डायरेक्ट जितना छूट देगा उसको माइनस कर लेना है। ठीक है, 2500 माइनस 2200, ठीक है, 2200 बटा 2500। ठीक है, कितने पर, 100 पर, तो गुना यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, जब इसे काटेंगे तो 300 बटा 2500 आ जाएगा। ठीक है, गुने 100। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 12% आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। ठीक है, देखिए 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल काटते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़, तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने, बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल ट्रिक आजमाना है। ठीक है, इसको मान लीजिए, मैंने कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और एक को ठीक ऐसे ही सेम D2 कर दिया। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ W2। ठीक है, अब भाई लोग पुट कीजिए, देखिए M1 का मान 6, D1 का मान 24 और W1 का मान 36, उसी तरह M2 का मान 12 और D2 का मान 18 और W2 का मान नहीं दिया है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू तो आपका 54 आएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कितने प्रतिशत प्रति व्यक्ति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 रुपये की राशि 10 वर्ष में 2700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिए 57 नंबर जो है इसमें क्या दिया है, मूलधन आपका कितना दिया है, 1800 रुपया। ठीक है, मूलधन 1800 रुपया दिया है और मिश्रधन कितना दिया है,
मिश्रधन 2700, ठीक है, ये जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ब्याज, ब्याज आपको पता है मिश्रधन में से घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो ब्याज को 2700 में से 1800 माइनस कीजिए तो ठीक है 900 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, 900 आ गया। समय कितना दिया है, यानी टी बराबर 10 वर्ष दिया है, इसे लिख लीजिए। अब क्या करना है, आपको दर निकालने के लिए पूछ रहा है, दर, तो दर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ब्याज मैंने 900 निकाला था, फॉर्मूले में 100 है, 100 लिख दिया, अब मूलधन आपका पता था, मूलधन कितना था आपका 900 गुने 100, मूलधन आपका 1800, ठीक है, समय कितना 10, काटिए इसको, जब इसे काटेंगे तो आपका 5% आएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45, 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में 5 शेष बचेगा, ठीक है, हर मामले में 5 शेष बचेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, 27, 45 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिएगा आप, एलसीएम निकालिएगा तो 270 आ जाएगा, ठीक है, 270, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि 5 में शेष आता है तो इसमें जोड़ देंगे 5 तो वही बचेगा ना, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रहीम और हरीश क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वही काम पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें हम दोनों का एक साथ निकाल लेंगे, कल मैंने देखिए दोनों का एक साथ काम निकाल, मान लीजिए एक का ए, एगो का बी, ठीक है, अब फॉर्मूले पर दोनों का हम जानते हैं ए गुने बी बटा ए प्लस बी, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है, इस पर पुट कर दीजिए, 15 गुने 10 बटा 15 प्लस 10, ठीक है, देखिए कितना आएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 150 बटा 25, 6 का कितना हो जाएगा 150, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे जाते हैं और 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, क्या करना है, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस तरह का सवाल रहेगा तो आप एक का निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग से बारी बारी से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक संतरे का क्रय मूल्य निकालिए, एक संतरे का क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है, तो 400 बटा 100 यानी कितना आया, एक संतरे का क्रय मूल्य 4 रुपया, ठीक है। अब एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालिए, एक संतरे का विक्रय मूल्य, ठीक है, कितना है, 60 रुपये में बेचता है तो 60 बटा 12, ठीक है, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी एक संतरे का विक्रय मूल्य 5 आ गया, ठीक है, यानी आपका लाभ हो रहा है, तो लाभ आपको पता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 5 आया था, क्रय मूल्य 4 यानी 1 आ गया लाभ। अब क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 1/4 × 100, ठीक है, लाभ प्रतिशत बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है फॉर्मूला, वैसे ही बैठा दिया मैंने, ये 25 बार में कट जाएगा तो राइट आंसर 25% का लाभ हुआ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब, राइट आंसर कितना जाएगा 92, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है, 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य गुने कितना परसेंट का बोल रहे हैं, 6% का, एक 8% का, ठीक है, हम दो दो बार लेकर चलेंगे, 6% पर लाभ और 8% पर हानि, ठीक है, तो 100 + 6, पहले मैंने लाभ पर लिया, ठीक है, फिर हानि कितना दिया है, 100 - 8, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आप 100 चलते हैं, ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो विक्रय मूल्य देखिए कितने परसेंट पर हो रहा है, 46 दे रहा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य मैंने 46 कर दिया, 100 + 6 कितना हो जाएगा, 106, और 100 में से माइनस 8 घटाइएगा तो कितना आएगा, 92, जब इसे काटिएगा तो ये 2 बार में और ये 53 बार में, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक टीवी
8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इसमें टीवी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, इसमें भी आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है, जैसे मैंने अभी बनाया है वैसे ही करना है, ठीक है, क्या करेंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए, कितना परसेंट पर, एक 5% पर और एक 15% पर, ठीक है, तो लाभ वाले के ऊपर लिखेंगे 100 + 5, ठीक है, उसके बाद 100 - 15, ठीक है, अब विक्रय मूल्य दिया है 8500, ठीक है, यहाँ पर 8500 कर दीजिए, ठीक है, सेम बनेगा वैसे ही, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर 10500 आ जाएगा, ठीक है, 10500, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुतम समापवर्त क्रमशः 12 और 240 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या, ठीक है, कल मैंने 8 नंबर प्रैक्टिस सेट में बताया था फॉर्मूला इसका कि दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने MCM बटा पहली संख्या, ठीक है, यानी पहली संख्या को P मान लिया, ठीक है, अब इस पर वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, लॉसम LCM कितना दिया है 12, ठीक है, MCM कितना दिया है 240, ठीक है, और पहली संख्या कितना दिया है 24, ठीक है, ये 10 बार में कट जाएगा यानी 120 आ जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, दिया है एक व्यापारी 24500 रुपये अंकित मूल के सोफा सेट के प्रत्येक पर 5% की दो क्रमिक छूट देता है, सोफा सेट का बिक्री मूल्य है, सोफा सेट का बिक्री मूल्य क्या है? देखिए सोफा सेट का बिक्री मूल्य हम निकालेंगे सबसे पहले, वैसे अभी मैंने बताया, ठीक है, कितना परसेंट का दे रहा है 5% का सोफा, तो क्या करेंगे इसे हानि लेकर चलेंगे, ठीक है, देखिए 24500 दिया है, ठीक है, आप 5% का हानि लेकर चलेंगे 100 पर, ठीक है, तो 100 - 5/100 हो गया, ठीक है, क्या बोल रहा है 5 पर दो क्रमिक, तो फिर इसी को दो बार कर देंगे यानी 100 - 5/100, ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व जब इसे आप करेंगे तो आपका 22111.25 आएगा, ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे आप अपना एक नोटबुक बनाते रहेंगे, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्त तो अच्छा से पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ ना, वीडियो बनाने में तो मेहनत लगता ही है, मुझे पढ़कर आपको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आप एक अपना नोटबुक रखें, जब भी सेट बनाए, ठीक है, अपना कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है, तब आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। चलिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी है, देखिए इसमें क्या करना है, अभीष्ट दूरी हम निकालेंगे 72, ठीक है, 15 मिनट में दिया है मैंने, इसे घंटे में चेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 × 4 = 60, ठीक है, 4 यानी 4 × 1 = 4 और 4 × 8 = 32, ठीक है, 18 किलोमीटर, ठीक है, राइट आंसर 18 किलोमीटर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 के अनुपात में है, यदि विज्ञान गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें नया अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, आप इसे 3 बार लेकर चलेंगे, ठीक है, मैं एक बता देता हूँ, पहले 2% के लेकर चलेंगे तो 2 × 100 + 10, ठीक है, 100, फिर अनुपात में दिया है 4 का, इसी तरह आप 4 का लेकर चलेंगे, ठीक है, इसी तरह आप 4 का लेकर चलेंगे, 4 × 100 + 20, 20 कहाँ से, 4 का 20%, 9 का 40% है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो 100 में क्या हो जाएगा 100, ठीक है, ऐसे ही आप 9 का भी लिखेंगे, 9 × 100 + 40/100, ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे अनुपात में काटेंगे तो आपका अनुपात आएगा 22:48:126, ठीक है, किसके बराबर, 11:24:63, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 9 में सभी छात्रों के लिए विज्ञान में अंक का औसत 48 था, परिणाम घोषित होने के बाद यह एक छात्र के मामले में पाया गया कि 45 अंक को गलती से 54 पढ़ लिया गया था, ठीक है, सही औसत क्या होगा? देखिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा सबसे पहले आप औसत अंक को लेकर चलेंगे, क्या कितना दिया है औसत अंक 48, ठीक है, 48, इसको गलती से क्या पढ़ लिया गया था 54, ठीक है, और पहले कितना दिया गया था 45, घटाएंगे ना तभी ना हमारा निकलेगा। उसके बाद देखिए,
पूछ रहे हैं विज्ञान में परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में पाया गया, ठीक है, तो 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया था, ठीक है, तो सही अवसर। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 48 हो गया, इसको घटाएंगे, 54 में से 45 गया तो कितना घटाएंगे, ठीक है, घटाइए तो घटाएंगे आप तो कितना आएगा 9, ठीक है, और 48 54 में से 48 जाएगा तो कितना होगा 6, यानी 6 का अंतर हो रहा है, ठीक है, 6 का, तो बाटा में मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। जब इसे काटेंगे आप 48 माइनस 9 बटा 6 आएगा, उसमें से घटाइएगा तो 54 में से 45 घटाइएगा तो 9 आएगा, ठीक है, और 48 में से 54 घटाइएगा, 54 में से 48 तो 6 आएगा, ठीक है, तो अब ये 6 8 है 48 हो जाएगा, इसे ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, या 48 को 48 रहने दीजिए, ठीक है, इसको भाग दे दीजिए, ठीक है, 6 1 6 6 5 30 यानी 1.5 मान लीजिए, ठीक है, 48 में से 1.5 घटाइएगा तो 46.5 आ जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 5% प्रतिवर्ष की दर से 2% के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है, साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इसमें क्या करना है, साधारण ब्याज, देखिए अब मैंने कल बताया था प्रैक्टिस सेट नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पी ए बराबर पी इंटू 100 प्लस आर होता है फॉर्मूला बटा 100, ठीक है, इसके बाद स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इस पर पुट कर देना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 205, ठीक है, तो अब पी का मान कितना हो जाएगा, पी निकालना है आपको, ठीक है, पुट कर दीजिए 100 प्लस आर का मान 5 दिया है, ठीक है, अब बटा में 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1, ठीक है, अब इसे क्या कीजिए, काटिए, जब इसे आप काटेंगे तो काटने के बाद आपका 2000 आएगा, ठीक है, 2000, ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपको पता है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी आर टी बटा 100, पी का मान 2000 आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2000 गुने 5 गुने 2 बटा 100, अब जब इसे काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है, राइट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत सिंपल है, इसका राइट आंसर 53 आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, 8 दिनों में 5 श्रमिक की अर्जित राशि में ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या कितना श्रमिक दिया है, 15 श्रमिक दिया है, ठीक है, कितना दिया है 15 श्रमिक, ठीक है, और 1800 रुपये कमा रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है 15 गुने 10, ठीक है, कितना रुपया कमा रहे हैं 1800, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है, काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 यानी 60, ठीक है, ये काटिएगा इसे तो 5 1 5 और 5 2 9 10, ठीक है, यानी 1/12, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कर लीजिए ऐसे, ठीक है, यानी 15 गुने कितना लिखा था मैंने 10 बटा कितना 1800, ठीक है, और पूछ रहा है 8 दिन में 5, ठीक है, तो 8 गुने 5 बटा x, ठीक है, अब x का मान निकालिए तो x बराबर, अब उसे सब पलट जाएगा उधर, 8 गुने 5 गुने 1800, ठीक है, बटा 15 गुने 10, ठीक है, जब इसे काटेंगे आप, काटने के बाद x का मान 480 रुपये आएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद दिया है ए बी और सी एक कार्य क्रम से 20 40 और 80 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती है तो ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रति तीन दिनों का काम, सबसे पहले प्रति तीन दिन का काम निकालिए, यानी 3 गुने a प्लस b प्लस c, ठीक है, तो a प्लस b प्लस c का मान पुट कर देना है, ठीक है, 3 गुने a का मान कितना 1/20, ठीक है, b का मान 1/40 और c का मान 1/80, ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 80 आएगा, ठीक है, 80 आएगा तो 20 से इसे काटेंगे तो 12 में इसका हो जाएगा और 40 का हो जाएगा 2 और इसका तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 12 2 14 15/80, ठीक है, 15/80, जब इसे काटेंगे आप तो 15/80 को हम ऐसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिए 5 3 15
और 16 यानी 3/16, ठीक है। यानी कितना दिन होगा, देखिए प्रतिदिन का औसत ये हमारा 3/16 भाग आ गया, ठीक है, 3/16 भाग आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें प्रतिदिन का औसत निकालना है, ठीक है। तो प्रतिदिन का औसत आपको पता है यहाँ पर कितना है, सोलह, इसको प्लट देंगे तो 16 × 3/3, प्रतिदिन दिन का मैंने निकाला, 3 से 3 कट जाएगा तो 16 राइट आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 16 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। देखिए पानी की मात्रा निकालने के डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3/2 + 3 × 60 कर दीजिए, ठीक है, इसे काट दीजिए तो कितना आएगा, 3/5 × 60, ये कितने बार में पहुँचेगा, 5 × 5 = 10, ठीक है, भारतीय 36 यानी 36 लीटर आएगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की अनुरूपी ऊंचाई लंबाई क्या होगा। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है प्रश्न से, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 lbh होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7 और आर दिया है 8 यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे जब आप काटेंगे तो आप गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम त्रिभुज का निकालते हैं, ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का निकालेंगे तो 1/2 bh, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 1/2, देखिए हमारा बी यानी बी दिया है, ठीक है, 8, हाइट हमें नहीं पता है, ठीक है, तो अब इसको इक्वल कर लीजिए, ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 bh, ठीक है, दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, और h को हम ऐसे ले लेंगे, ठीक है, तो 22/7 × 8 × 8 × 2, ठीक है, 8 जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, यानी 22 में 8 से गुना कीजिएगा तो 22 × 2 = 44, ठीक है, 44 में 8 से गुना कीजिएगा तो फिर आपका कितना आएगा, तो 22 के 22/7 के बदले हम पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो 22/7 को रहने दीजिए, ठीक है, यानी इसके बदले पाई रखने दीजिए, पाई हो जाएगा, 8 रहने दीजिए, ठीक है, बचेगा 2, ठीक है, तो 8 × 2 = 16 पाई, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई है, जिस पर उसे 10% हानि होगी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने रुपये में बेचनी चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया है कि विक्रय मूल्य जितना दिया होगा उसको लिख लीजिए, ठीक है, और कितना हानि कितना लाभ हो रहा है 100 पर लेकर चलिए, ठीक है, तो लाभ हो रहा है 20 पर और हानि हो रहा है 10 पर, ठीक है, तो 10 नीचे लिख दीजिए, ठीक है, 100 + 20 यानी लाभ, 100 - 10 यानी हानि, ठीक है। जब इसे आप काटेंगे तो आपका कितना आएगा, काटने के बाद आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4500 × 1/20/90, ठीक है, तो ये 9 × 5 = 45, 50 आएगा, ठीक है, यानी 12 × 5 = 60, ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा 6000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि हुई तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है, सुमित का नया वेतन क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि रवि का वेतन 2x हो जाएगा, क्योंकि उसे क्या है अनुपात में है, तो रवि का वेतन 2x, ठीक है, सुमित का वेतन 3x, ठीक है, ऐसे मान लेंगे, फिर लिखेंगे, प्रश्न से चलेंगे तो 2x + 3000 / 1 सुमित को लेकर चलेंगे, ठीक है, दोनों को अलग अलग लेकर चलेंगे, बराबर कितना हो रहा है 35:50, ठीक है, इक्वल कर दिए, अब इसे जब काटिएगा तो 7/10 आएगा, ठीक है, 7/10 आएगा, ठीक है, अब लेकर चलेंगे हम, अब 20x हो जाएगा हमारा, ठीक है, 20x उसे x की जगह पुट कीजिएगा तब आएगा, ठीक है ना, तो 20x + 3000 = 21x + 2100,
21,000 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के बराबर कीजिए। ठीक है, तो देखिए 21x माइनस 20x बराबर, इसके बराबर में 30,000 है, सॉरी मैं 30,000। ठीक है, 30,000। ठीक है, तो 30,000 माइनस 21,000। ठीक है, तो x का मान आपका आ जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये x का मान निकल गया, तो सुमित का नया वेतन मैंने कितना मांगा है, माना है, सॉरी सुमित का माना है मैंने 3x प्लस 3,000। ठीक है, 3,000 माना है, तो 3 × 9,000 × 3,000। ठीक है, अब इसे आप गुना कीजिएगा तो 30,000 आएगा। कितना आएगा, 30,000। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ईजी है, सरलीकरण करना है। ठीक है, क्या करना है, सरलीकरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत ईजी है, छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है तो वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, तो उसके द्वारा की गई वास्तविक दूरी क्या होगी। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि व्यक्ति x घंटे में दूरी तय करता है, चलता है। ठीक है, x घंटे मान लीजिए। ठीक है, प्रश्न से चलिएगा तो 15 किलोमीटर घंटे की गति से चलता है, तो कितना हो जाएगा, 15x। ठीक है, और 10 किलोमीटर घंटे के बजाय इतना चलता है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना, 25। ठीक है, सिंपल है, अब इसको इक्वल कर दीजिए, एक्स का मान निकालिएगा तो एक्स का मान आ जाएगा 5 घंटा आ गया। ठीक है, वास्तविक चल कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वास्तविक दूरी हम निकालेंगे तो दूरी पता है आपको, 4 × समय होता है, यानी 10 × 5, यानी कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत ईजी है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर आएगा 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा कैसे आएगा। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। ठीक है, देखिए ये बनाने वाला है, बना देते हैं, 95 − 47 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 187 − 47 घटाएंगे तो 140। ठीक है, उसके बाद देखिए 187 − 95 घटाएंगे तो कितना आएगा, 92। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अभीष्ट संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 4, 8, 92, 140 और उस इन सबका महत्तम निकालेंगे। ठीक है, MCM निकालिएगा इन सबका। ठीक है, MCM जब निकालिएगा इसका, तो MCM निकालने के बाद आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक परिवार में 2 दादा दादी 3 माता पिता और 4 पोते पोती हैं। ठीक है, दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है, अब पोते पोतियों की औसत आयु 8 वर्ष है, परिवार की औसत आयु क्या है। देखिए इसमें क्या करना है, परिवार की औसत आयु निकालना है। ठीक है, देखिए तो इसको सबसे पहले कैसे, देखिए इसमें कितने व्यक्ति हो जा रहे हैं, कुल 9 व्यक्ति हो जा रहे हैं। ठीक है, कितने, 9। ठीक है, तो 9 व्यक्तियों की उम्र आप कैसे निकालेंगे, देखिए 2 × 65। ठीक है, फिर प्लस, सब कोई दो दो है ना, फिर 3 × 32, सब कोई दो दो नहीं, मतलब प्रश्न में जो दिया है तो उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है, 3, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा 4 × 8। ठीक है, तो इसको आप गुना भाग करेंगे, काटेंगे तो 130 + 96 + 32, यानी टोटल हो जाएगा 258। ठीक है, 258 हो गया हमारा। ठीक है, औसत उम्र, फिर उसके बाद क्या करना है, हम इसमें औसत उम्र लेकर चलिए, तो औसत उम्र निकालेंगे सबका, परिवार में 9 आदमी है, टोटल कितना है, 258 / 9 कर देंगे औसत निकालेंगे तो। ठीक है, जब इसे भाग देंगे, काटेंगे तो 86/3 आएगा। ठीक है, 3 × 9 और 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18। ठीक है, समझ गए, तो इसको और सिंपल भाषा में तोड़िएगा तो 28/2/3। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना है, आप मान लीजिए तीसरी संख्या, इससे पहले मैंने क्वेश्चन बना दिया है, वो बनाए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरी संख्या 100 मान लीजिए, ठीक है, पहली संख्या में 20-25% ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा, और एक और है 50% तो 150 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अनुपात निकालना है प्रश्न से, तो लेकर चलेंगे 150/125, काटेंगे तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है, यानी 6:5, ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है, और क्या कीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और देखिए मैं शुरू शुरू में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, ठीक है, वो आपका मन करता है, आपको मन करता है सब्सक्राइब करने का तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको आपके अंदर दिल में ज़रा सी भी फीलिंग आएगी कि नहीं ये इंसान इतना मेहनत कर रहा है तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर कर और इसे सपोर्ट करना चाहिए, अगर लगता है आपके दिल में तो ऐसा कीजिए, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है। देखिए 85 नंबर है, राज ने 35% की छुट्टी पर एक नई कुर्सी खरीदी, यदि राज को कोई छुट्टी नहीं मिलती तो राज को 238 रुपये और देने पड़ते, राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए ये ऐसे प्रश्नों में छूट देगा तो आपको मानना ही पड़ेगा, बट्टा का सवाल हो गया, ठीक है। अंकित मूल एक्स मान लीजिए, ठीक है, इसमें अंकित मूल एक्स कुर्सी पर कुल भुगतान निकालना होगा, तो देखिए एक्स का लेकर चलेंगे 100 पर, ठीक है, 100 पर लेकर चलिए, कितने परसेंट का, 35% का, तो -35 कर दीजिए, ठीक है, बटा 100, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 65x/100 आ गया, ठीक है। अब प्रश्न से चलेंगे, चूँकि x माना है मैंने अंकित मूल, ठीक है, यहाँ पर x हो गया, बराबर कितना हो रहा है 238 के, ठीक है, इसको जब मैं x का मान निकालूँगा तो 238 × कितना हो जाएगा 35, ठीक है। जब इसे काटेंगे आप तो आपका मान आएगा 680 एक्स का मान, ठीक है। अब कुल भुगतान निकालना है, ठीक है, मैंने माना है एक्स का मान आया ना, एक्स गुने 65/100, एक्स का मान कितना था जो है उतना लिख दीजिए, उसे पुट कर जब कीजिएगा तो आपका आएगा 65/100 × 3400/5, ठीक है। जब इसे काटेंगे आप 2 जीरो से 2 जीरो 13 हो जाएगा 13, ठीक है, 13 में 34 से गुना कीजिएगा तो 442 आएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का नवा प्रैक्टिस सेट, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, ठीक है। और जब भी आप सेट बनाने बैठे दोस्त, कॉपी किताब लेकर बैठे, ठीक है, कॉपी किताब लेकर बैठे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, रम जाइए पढ़ाई में, ठीक है, सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्त। दूसरे लोगों को बात में नहीं आना है, बोल देते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, अरे यार करो तो पहले, कितना एग्ज़ाम दिए हो, 5, 10, 6, अरे यार लोग 12-15 एग्ज़ाम देता है, 20-20 एग्ज़ाम दे देता है यार, एक ही एग्ज़ाम में हार मान रहे हो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, पढ़ो सफलता मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो और फिट रहो, ठीक है दोस्त।